हेलो स्टूडेंट, माय सेल्फ नितिन भर, फैकल्टी ऑफ जेडब्ल्यू मैथमेटिक्स। आज हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में एनसीईआरटी और जेडब्ल्यू की प्रॉब्लम देखने वाले हैं। हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। बेसिक से इसलिए स्टार्ट करेंगे कि बेसिक से स्टार्ट करेंगे तो हमारी कैलकुलेशन की प्रैक्टिस हो जाएगी और उसके बाद हम लगे तो जेडब्ल्यू की प्रॉब्लम लेंगे। देखो, पहला क्वेश्चन क्या बोला गया है। प्रूव दैट, मेरे को प्रूव करना है एरिया ऑफ अ ट्रायंगल हुज वर्टाइसेस, है ना, कोई एरिया ऑफ अ ट्रायंगल जिसके वर्टाइसेस क्या है, एक t, t-2 है, एक क्या है t+2, t+2 है, और तीसरा वर्टाइसेस क्या है आपका t+3, t है। आपको ये प्रूफ करना है कि जो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल है इज इंडिपेंडेंट ऑफ t। यानी अगर मैं ये तीनों वर्टेक्सेस लेके अगर ट्रायंगल का एरिया निकालता हूं तो उसका जो एरिया आएगा उसमें टी नहीं होगा। इंडिपेंडेंट ऑफ टी बोले तो जो आंसर आएगा एरिया का उसमें टी नहीं होगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखिए। सबसे पहले तो मैं लेट कर लेता हूं, लेट ए इज अ टी कॉमा टी माइनस टू। ठीक है, उसके बाद जो बी है वो है t+3, t। उसके बाद जो C है वो है तुम्हारा t+3, ये A हो गया। अच्छा, ये B आपका ये वाला है। ठीक है, B है तुम्हारा t+2, t+2 और तुम्हारा C है t+3, t। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल में हमने पढ़ा था, हमने फॉर्मूला पढ़ा था, अगर कोई ट्रायंगल है जिसके वर्टाइसेस आपका ए वर्टाइसेस अगर x1, y1 है, बी वर्टाइसेस आपका x2, y2 है और सी वर्टाइसेस आपका x3, y3 है, देन द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू, हमने पढ़ा था डिटर्मिनेंट मेथड, 1/2 डिटर्मिनेंट ऑफ x1, y1, x2, y2, x3, y3। ठीक है, और यहां पे 1, 1, 1। ठीक है, अच्छा ये रो और कॉलम आपस में एक्सचेंज हो गए तो भी आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दैट इज द फॉर्मूला फॉर द कैलकुलेशन ऑफ एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। दैट इज द फॉर्मूला फॉर द कैलकुलेशन ऑफ एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। अगर मेरे को ट्रायंगल के वर्टाइसेस देखे हैं तो बाय यूजिंग डिटरमिनेंट मेथड मैं उस ट्रायंगल का क्या निकाल सकता हूं, एरिया निकाल सकता हूं। सेम मैं यहां पे भी यही फॉर्मूला यूज करूंगा। ये आपका x1 है, ये आपका y1 है, ये आपका x2 है, ये आपका y2 है, ये आपका x3 है, ये आपका y3 है। x1 की जगह ये t आ जाएगा, y1 की जगह t-2 आ जाएगा, यहाँ पे x2 की जगह t+2 आ जाएगा, y2 की जगह t+2 आ जाएगा और x3 की जगह t+3 आ जाएगा और y3 की जगह t आ जाएगा। ठीक है, बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला मैं डायरेक्ट अप्लाई कर रहा हूं। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू 1/2। ठीक है, क्या बोला था, x1 y1 यानी t और t-2, यहां पे तो 1 था, x2 y2 यानी t+2 और इधर भी t+2 और इधर क्या रहेगा 1, x3 y3 t+3 और इधर t+1। ठीक है, सिंपल डिटर्मिनेंट को मैं सॉल्व करूंगा 1/2। ठीक है, इधर t इंटू दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन t+2 -1 × t इज t। ठीक है, अच्छा पहला साइन प्लस होता है, दूसरा साइन क्या होता है यहाँ पे माइनस हो, और एलिमेंट क्या है तुम्हारा इधर t-2। आपको ये कॉलम ये रो छोड़ना है, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो ब्रैकेट के अंदर t+2 × t t+2। ठीक है, इंटू 1। ठीक है, और उसके बाद माइनस में इधर क्या रहेगा 1 × t+3। अच्छा 1 × t+3 माइनस है तो आपको पता है माइनस है तो ब्रैकेट देना है t+3 और प्लस लास्ट वर्ड में क्या है 1 × ये कॉलम ये रो छोड़ना है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन यानी t × t+2। ठीक है, माइनस क्या रहेगा t+3 × t+3
ये t इंटू t प्लस टू था और t प्लस थ्री इंटू क्या रहेगा t प्लस टू, इधर मैं लिखता हूं यहां पे जगह कम है तो नीचे लिखता हूं t प्लस। अब सिंपल मैं क्या करूंगा, ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन करूंगा, ठीक है, ये अंदर जाएगा तो ये 1 बाय 2 नीचे, ये t अंदर मल्टीप्लाइड होगा तो t स्क्वायर प्लस ऑफ 2t, ठीक है, और यहां पे डायरेक्ट डायरेक्ट पता चल जा रहा है ये प्लस t, ये माइनस t कट जाएगा, बचेगा क्या 2 और इधर में मल्टीप्लिकेशन में 2 यानी 2t बचेगा, ठीक है। उसके बाद माइनस यहां पे देखो, यहां पे क्या बनेगा, माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस t और ये माइनस 3, अगेन ये प्लस t माइनस t कट जाएगा और यहां पे प्लस 2 माइनस 3 दैट इज योर माइनस 1, माइनस 1 मल्टीप्लाइड होगा माइनस के साथ तो प्लस, यानी 1 इंटू प्लस हो जाएगा और यहां पे आ जाएगा 1 इंटू टी माइनस 2, ठीक है। तो ये 1 का तो मल्टीप्लिकेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता है, ब्रैकेट डायरेक्ट ओपन कर दो क्योंकि ऊपर बाहर वाला साइन क्या है प्लस है, ठीक है, ये प्लस साइन। उसके बाद ये वाला कैलकुलेशन प्लस है, ये वाला कैलकुलेशन देखो, यहां पे देखो ये ब्रैकेट मल्टीप्लाइड होगा प्लस में 1 मल्टीप्लिकेशन में है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, टी अंदर मल्टीप्लाइड करो तो क्या बनेगा टी स्क्वायर प्लस 2t, ठीक है। अब क्या हो जाएगा माइनस, ये दो ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाइड करोगे तो टी स्क्वायर प्लस 2t और उसके बाद 3 मल्टीप्लाइड होगा तो प्लस 3t और उसके बाद क्या रहेगा 6 प्लस 6, ठीक है, फिर ये माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस टी स्क्वायर, ये माइनस 2t, ये माइनस 3t और ये माइनस 6, ठीक है। अब देख सकते हो यहाँ पे प्लस टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, अच्छा प्लस 2t माइनस 2t कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद क्या हो सकता है यहाँ पे देखो ये 2t प्लस t यानी प्लस 3t बनेगा और ये माइनस 3t कट जाएगा, ठीक है, माइनस 3t कट जाएगा और बचा गया तुम्हारे पास माइनस माइनस 6, तुम्हारे पास बचा क्या है माइनस 6 बचा है और उसके बाद माइनस 2 बचा है और माइनस 2 यानी ये हो जाएगा 1 बाय 2 इंटू माइनस 2 और माइनस 8, है ना, 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा माइनस 4, लेकिन मैंने बोला था एरिया कभी भी निगेटिव होता है क्या, नहीं, इसीलिए आपका एरिया जो है वो क्या रहेगा पॉजिटिव रहेगा, इसीलिए वो निगेटिव था इसीलिए मैं क्या करूंगा पॉजिटिव कर दूंगा तो ये क्या रहेगा 4 और एरिया होता है स्क्वायर यूनिट्स में। तो हमने देख सकते हो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टी, देयरफॉर हेंस प्रूव्ड, है ना, मेरे को बोला था कि मेरे को प्रूव करना है कि इस एरिया एरिया ऑफ अ ट्रायंगल जिसके वर्टाइसेस ये है वो क्या है इंडिपेंडेंट ऑफ टी है। देखो एरिया जो आया वो क्या है सिर्फ 4 है, इसमें कभी टी है क्या, नहीं है, इसीलिए मैं बोल सकता हूं कि मैंने जो प्रूफ मुझे पूछा था वो मैंने प्रूफ कर लिया, हेंस प्रूफ दैट इज योर आंसर, ठीक है, एकदम बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, फिर भी कैलकुलेशन के लिए हमको ये करना जरूरी है क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन से हमारे कैलकुलेशन इंप्रूव होते हैं और बाद में दिक्कत नहीं होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आर कोलिनियर,
क्या बोला गया है कि आपको बोला गया है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, के के किस वैल्यू के लिए ये तीनों पॉइंट क्या बन जाएंगे, कोलिनियर बन जाएगा। अच्छा कोलिनियर बोले तो ये जो तीनों पॉइंट है, ये जो तीनों वर्टेक्सेस है एक ही लाइन पे लाई करेंगे, दैट इज योर कोलिनियरिटी। ठीक है, और मेरे को पता है कि अगर ये कोलिनियर है तो ये जो एरिया बनाएगा है ना, अगर पॉइंट अलग अलग है तो ट्रायंगल बनेगा, है ना। अब ट्रायंगल बनेगा तो कुछ ना कुछ एरिया बनेगा, लेकिन आप अगर ये पॉइंट को खींच के यहाँ पे लेके आते हो तो ये तीनों पॉइंट क्या बन जाएंगे, कोलिनियर बन जाएंगे। और एरिया यहाँ पे था तो कुछ ना कुछ एरिया था, लेकिन ये पॉइंट इधर आ जाएगा तो एरिया पूरा खत्म हो जाएगा और एरिया क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए वही कंडीशन यूज करके, एरिया ऑफ ट्रायंगल वाले कंडीशन यूज करके मैं ये प्रूव करूंगा कि के की वैल्यू फाइंड करूंगा जिसके लिए ये तीनों पॉइंट क्या बन जाएंगे, कोलिनियर बन जाएंगे। अगर पॉइंट्स आर कोलिनियर देन ये क्या करेंगे, ये वाली कंडीशन क्या करेगा, ये सेटिस्फाई करेगा जिसमें x1, y1, 1, x2, y2, 1, x3, y3, 1 इक्वल टू क्या रहेगा, जीरो। दैट इज द कंडीशन फॉर कोलिनियर पॉइंट, दैट इज कंडीशन फॉर कोलिनियर पॉइंट्स x1, y1, x2, y2 और x3, y3। ठीक है, अगर पॉइंट, अगर ये तीन पॉइंट अगर कोलिनियर है तो ये क्या करेंगे, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, तो अब देखो ये वाले जो तीन पॉइंट है, एक दो तीन पॉइंट, एक दो और तीन, है ना, तो ये अगर क्या है, कोलिनियर है तो ये क्या करेंगे, ये एक दो तीन, ये पॉइंट अगर कोलिनियर है तो ये भी क्या करेगी, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे। ये तुम्हारा x1 है, ये तुम्हारा y1 है, ये तुम्हारा x2 है, ये तुम्हारा y2 है, ये तुम्हारा x3 है, ये तुम्हारा y3 है। ठीक है, अब वही वैल्यू x1 की जगह मैं क्या लिखूंगा, k लिखूंगा, y1 की जगह मैं क्या लिखूंगा, ये लिखूंगा, है ना, सभी रिप्लेस कर देता हूं। अगर ये तीन पॉइंट कोलिनियर है तो ये तुम्हारा x1 है k और 2 माइनस 2k इधर पर, ये तुम्हारा x2 और y2 है यानी माइनस k प्लस 1 और इधर क्या रहेगा 2k इधर 1, और ये तुम्हारा x3 y3 है तो माइनस 4 माइनस k और इधर क्या रहेगा 6 माइनस 2k और इधर 1 इक्वल टू क्या रहेगा, जीरो रहेगा, बिकॉज थ्री पॉइंट्स आर कोलिनियर। ठीक है, उसके बाद सिंपल इस डिटरमिनेंट को मैं सॉल्व करूंगा, डिटरमिनेंट को सॉल्व करूंगा तो k इंटू आपस में मल्टीप्लाइड होगा 2k इंटू 1, दैट इज 2k, बीच में माइनस 1 इंटू 6 माइनस 2k यानी 1 इंटू 6 माइनस 2k यानी 6 माइनस 2k ब्रैकेट में 6 माइनस 2k। ठीक है, उसके बाद यहां पे साइन होता है माइनस और एलिमेंट है तुम्हारा क्या 2 माइनस 2k, 2 माइनस 2k और उसके बाद ये वाला कॉलम, ये वाला रो छोड़ देना है 1 इंटू दिस यानी माइनस k प्लस 1। ठीक है, उसके बाद 1 इंटू दिस तो माइनस ऑफ अंदर में क्या रहेगा माइनस 4 माइनस इधर प्लस में वन, एलिमेंट क्या है वन, क्या ये वाला कॉलम और ये वाला रो छोड़ देना है, ये आपस में मल्टीप्लाइड होगा माइनस में ये, तो माइनस के प्लस वन इंटू में क्या सिक्स माइनस टू के। ठीक है, ये आप एक साइन क्या रहेगा माइनस और उसके बाद टू के इंटू माइनस फोर माइनस के, टू के इंटू माइनस फोर माइनस के। ठीक है, ये क्या है तुम्हारा 2k into minus 4 minus k, ठीक है, equal to क्या है तुम्हारा, equal to ये क्या है zero है, equal to zero है। अब देखो ये minus अंदर जाएगा तो ये minus 6 और ये क्या बनेगा plus 2k। ठीक है, ये minus 6 बनेगा और ये क्या बनेगा plus 2k, तो ये plus 2k 4k और ये 4k multiplied होगा k के साथ तो 4k square और 6 के साथ होगा तो माइनस सिक्स के। ठीक है, उसके बाद पहले तो ये वाला माइनस अंदर जाएगा तो ये क्या बनेगा, ये माइनस अंदर जाएगा तो ये भी प्लस बनेगा यानी यहां पे क्या बन जाएगा, या फिर माइनस दोनों से बाहर कर देता हूं तो डायरेक्ट आंसर क्या बन जाएगा
प्लस ऑफ 4 प्लस के। ठीक है, अब देखो यहां पे माइनस 4 के प्लस 4 के कैंसिल हो जाएगा, 4 प्लस 1 दैट इज 5, 5 इनटू दिस ब्रैकेट माइनस ऑफ 2 माइनस 2 के इनटू में क्या रहेगा 5, 5 मल्टीप्लाइड होगा तो ये क्या बनेगा 10, 10 माइनस 10 के, ये 5 मल्टीप्लाइड हो गया। ठीक है, बाद में ये माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस 10 और प्लस 10 के बन जाएगा। ठीक है, और उसके बाद ये वाला कैलकुलेशन प्लस ऑफ, अच्छा 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन में कोई दिक्कत नहीं है, है ना। अब क्या करेंगे, ये वाला ब्रैकेट मल्टीप्लाइड करेंगे। सबसे पहले तो सबसे पहले ये वाला ब्रैकेट मल्टीप्लाइड करेंगे, तो मल्टीप्लाइड करोगे तो क्या मिलेगा तुमको, माइनस ऑफ 6 के और प्लस ऑफ 2k स्क्वायर। ठीक है, और फिर 1 मल्टीप्लाइड होगा तो प्लस ऑफ 6 माइनस ऑफ 2k। ठीक है, फिर यहां पे माइनस 2 के अंदर मल्टीप्लाइड करो, माइनस 2 के अंदर मल्टीप्लाइड करोगे तो प्लस ऑफ 8k और प्लस ऑफ 2k स्क्वायर इक्वल टू में क्या है 0 है। अच्छा ये प्लस साइन है तो ये डायरेक्ट ब्रैकेट ओपन करो, कोई दिक्कत नहीं है, और ये साइन क्या बन जाएगा माइनस ऑफ 6 के बनेगा। उसके बाद देखना है कि क्या है, है ना। देखो ये 4k स्क्वायर और ये 2k स्क्वायर और ये 2k स्क्वायर यानी 8k स्क्वायर बन रहा है, कितना बन रहा है 8k स्क्वायर माइनस ऑफ 6k और प्लस ऑफ 10k यानी 4k, 4k में से माइनस यानी माइनस 2k और माइनस 4k और -4k और +8k यानी 4k +4k। उसके बाद ये -10 और कुछ है कांस्टेंट -10 और ये प्लस यानी ये -4 बनेगा, ये क्या बनेगा -4 बनेगा, -4 इक्वल टू कितना 0। ठीक है, इक्वल टू कितना 0। अच्छा और यहां से 4 कॉमन ले लो, 4 कॉमन लेते हो तो यहां पे क्या बनेगा, 4 कॉमन ले लिया तो अंदर में, या फिर 2 से डिवाइड करो, 4 से डिवाइड करो, 4 से दोनों साइड में डिवाइड कर लोगे तो क्या बनेगा 2k स्क्वायर प्लस k और माइनस k इक्वल टू 0 बाय 4 तो 0 ही रहेगा। दैट इज योर क्वाड्रेटिक मिल गया आपको इन द फॉर्म ऑफ k, क्योंकि मेरे को k की वैल्यू फाइंड करना था तो इसीलिए आपको k की क्वाड्रेटिक मिल गई। ठीक है, क्या है क्वाड्रेटिक तुम्हारी, 2k स्क्वायर प्लस k माइनस k इक्वल टू 0, फैक्टर गिराता हूं 2 × 1, है ना, तो फैक्टर आ जाएगा 2k स्क्वायर प्लस 2k माइनस k इक्वल टू 0। ठीक है, यहां से आप 2k कॉमन ले लो, 2k कॉमन ले लिया, अंदर में क्या बचेगा k प्लस 1, यहां से माइनस 1 है। ठीक है, यहां पे 1। अच्छा माइनस कॉमन ले लिया तो अंदर में क्या बचा k प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये k प्लस 1 कॉमन ले लो, k प्लस 1 कॉमन लेते हैं तो k प्लस 1 कॉमन ले लिया अंदर में क्या बचेगा 2k माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी k प्लस 1 इक्वल टू 0 और 2k माइनस 1 इक्वल टू 0 यानी k इक्वल टू माइनस 1 या फिर 2k इक्वल टू 1 यानी k इक्वल टू 1/2 और k इक्वल टू 1/2, यानी आप बोल सकते हो फॉर द वैल्यू ऑफ माइनस 1 और 1/2 k इक्वल टू 1/2 दिस पॉइंट्स आर कोलिनियर, है ना। अगर आपके k की वैल्यू माइनस 1 या फिर k इक्वल टू 1/2 है तो ये पॉइंट्स क्या रहेंगे आपके कोलिनियर रहेंगे, दैट इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। ठीक है, इस वैल्यूज के लिए आपके पॉइंट्स क्या रहेंगे कोलिनियर रहेंगे। इट्स अ वेरी सिंपल प्रॉब्लम, कैलकुलेशन मैटर करता है ना, कैलकुलेशन मैटर करता है,
कैलकुलेशन अगर मैं ये नॉर्मल बेसिक लेवल प्रॉब्लम मैं करता हूँ तो मेरा कैलकुलेशन अच्छा होता है और समझने में भी इजी होता है। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।